माई लवलीज, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ टॉप 10 ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। दैट मीन्स कि अगर आपका स्किन का टाइप ऑयली है, एक्ने प्रॉन है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मेरा जो स्किन का टाइप है वो भी ऑयली एक्ने प्रॉन है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, तो उनमें से जो मुझे लगा कि टॉप 10 है जो कि इस समर सीजन में आप लोगों के पास होने ही चाहिए, वो ही इस वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अंडर 500 है, बहुत हाई एंड के प्रोडक्ट्स नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट प्राइस वाइज काफी नॉर्मल है, बट इनका रिजल्ट काफी अच्छा आपको मिलेगा। सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आई एम डैम श्योर में से कोई ना कोई आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो यस, मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये किसी भी तरह का कोई ब्रांड के साथ स्पॉन्सर नहीं है कि मैं किसी ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ। डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को मैंने यूज़ किया है, मुझे अच्छा लगा है, इनका रिजल्ट वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को यहाँ पे प्रमोट करने बैठे हैं। सो यस, रैंडमली मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जैसे मेरे हाथ में आते जाएंगे। टॉप 10 मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज अ विटामिन सी सीरम। तो काफ़ी सारे मुझे इसी से रिलेटेड कॉमेंट आते हैं, दी हमारी स्किन का टाइप ऑयली है, एक्ने प्रॉन है, तो एक्ने प्रॉन है तो इट मींस कि आपकी स्किन पे जो एक्ने मार्क्स है वो भी रहेंगे। सो हमेशा ट्राई कीजिए कि जब भी आपकी स्किन पे एक्ने मार्क्स रह जाएं, आप विटामिन सी जरूर यूज करा कीजिए। विटामिन सी ही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन के जितना भी पिगमेंटेशन है या एक्ने स्कार्स है उस पर वर्क करेगा। सो विटामिन सी अगर आपका सेंसिटिव स्किन टाइप है तो मेक श्योर कि आप 10% से स्टार्ट करो। यस, अगर आप 10% को पहले यूज कर चुके हो तो फिर आप 20% पे जा सकते हो। जो मेरे पास है वो 20% विटामिन सी फेस सीरम है, इसके अंदर आपको 10% भी मिल जाएगा। एंड यस, सीरम के लिए कोई भी पर्टिकुलर स्किन टाइप नहीं होता है, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जो आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दिस वन इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट विटामिन सी सीरम जो कि है ब्रांड डर्माको से। एंड गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको एंड दिस इज बायोडर्मा सेंसी बायो टॉनिक। सो बेसिकली ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन स्किन वाले टोनर क्यों यूज करेंगे उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। जो भी ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं वो हमेशा फेस वॉश ऐसा यूज करते हैं जो आपकी स्किन के ऑयल, सीबम या डर्ट, इंप्योरिटीज को अच्छी तरह से निकाल दे, तो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। सो हमेशा टोनर यूज करो ताकि आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रह सके, आपके जो पोर्स ओपन हो गए हैं वो धीरे धीरे सिंक होते हैं जब भी आप टोनर यूज करते हो, मिनिमाइज होते हैं। जैसे जैसे आप टोनर यूज करोगे ना, आपकी स्किन का जो टेक्सचर है उसके अंदर आपको खुद को इंप्रूवमेंट नजर आएगा। सो बेसिकली ये जो टोनर है मुझे सबसे बेस्ट लगा है अभी तक, कि सबसे अच्छी बात है कि ये अल्कोहल फ्री टोनर है। दैट मींस कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपके एक्टिव एक्ने हैं, तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, स्किन को बहुत ज्यादा काम रखता है और हाइड्रेट करता है स्किन को। सो ये टोनर मुझे बेसिकली अभी तक का सबसे बेस्ट टोनर लगा है जितने भी टोनर मैंने यूज किए हैं अभी अपनी लाइफ में। सो ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए भी टोनर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार जरूर इसको ट्राई करके देखिएगा, फैन हो जाओगे। मतलब दिस वन इज माई सेकेंड बॉटल, आप देख सकते हो ये भी मैंने हाफ खत्म कर दी है। सो टोनर बहुत अच्छा है ये बायोडर्मा का। एंड नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज फेस वॉश। सो फेस वॉश में मैं आपको दो रिकमेंड करूंगी, एक है सैलिसिलिक एसिड, जो कि अगर आपकी लाइक बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने हैं आपको, या एक्सेस में आपकी ऑयली स्किन है, मुंह होते ही आपको मतलब 1 से 1.5 घंटे में इतना ऑयल आ जाता है कि फिर से फेस वॉश करने की जरूरत होती है, तो हमेशा आप ट्राई करो कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड वाले फेस वॉश यूज करो, क्योंकि इनसे जब आप फेस वॉश करोगे ना तो 3 से 4 घंटे तो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी सीबम नहीं आएगा, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल लगेगी। एंड यस, वी ऑल नो कि सैलिसिलिक एसिड हमारी स्किन पे ना सीबम प्रोडक्शन को कम करता है, जो भी एक्सेस ऑयल आता है उसको कंट्रोल करता है और एक्टिव एक्ने पे वर्क करता है। सो सैलिसिलिक एसिड ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। सो ये मुझे काफी अच्छा लगा, अभी तो ट्यूब मेरी खत्म हो गई है। एंड ये विज हेजल एंड विलो बाग के साथ आता है, तो इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छे लेवल में होते हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। एंड यस, ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छे से क्लियर करता है स्किन को। एंड नेक्स्ट जो फेस वॉश है गाइस, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड एक्वालॉजिका। ये रिसेंटली मैं अभी यूज कर रही हूँ, मतलब 1 महीना हुआ है मुझे, बट मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर करता है, हाइड्रेट रखता है, बहुत ज्यादा ओवर ड्राइंग नहीं कर देता है स्किन को। एंड इसके अंदर भी सैलिसिलिक एसिड है एंड ग्रीन टी है। अगर आपका स्किन का टाइप ऑयली एक्ने प्रॉन है तो हमेशा हमेशा वैसे ही फेस वॉश यूज करो जिनके अंदर की या तो ग्रीन टी रहे, या टी ट्री रहे, या सैलिसिलिक एसिड रहे। एंड यस, जब भी फेस वॉश करो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 से 2 मिनट अपने फेस वॉश को दो,
ताकि जो भी एक्टिव्स इनके अंदर है वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से सौकिन हो सके, स्किन को क्लियर करने में हेल्प कर सके। सो दोनों फेस वॉश मुझे ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छे लगे, प्राइस वाइज भी काफ़ी नॉर्मल है, मतलब आई थिंक 250 के अंदर आपको ईच मिल जाएगा। एंड गाइज, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट वन इज ए मॉइस्चराइजर एंड दिस वन इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मतलब जब से मैंने इस फेस मॉइस्चराइजर को यूज किया ना, तब से मैं इसकी फैन हो गई हूँ। मतलब इतना माइल्ड फॉर्मूला है, इतने अच्छे से आपकी स्किन को नरिश कर देता है और बिल्कुल भी चिपचिपापन, ग्रीजीनेस या 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद भी स्किन आपकी बिल्कुल भी ऐसे चिपचिपी नहीं लगती है इस मॉइस्चराइजर को यूज करने के बाद। सो दिस वन इज फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेड्स एंड ये है सेरेमाइड एंड वाइटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपको वाइटामिन सी सीरम यूज नहीं करना है, बट ऐसा एक मॉइस्चराइजर चाहिए जिसके अंदर की वाइटामिन सी रहे, तो फॉर श्योर आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर सेरेमाइड्स है, तो सेरेमाइड्स बेसिकली आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं सेरेमाइड्स में एंड इसके अंदर गाइस 5 to 6 सेरेमाइड्स है। सो यू कैन इमेजिन कि 5 से 6 तरह के सेरेमाइड्स अगर आप अपनी स्किन पे लगाओगे तो आपकी स्किन को रिपेयर करने का कितना अच्छा काम करेंगे वो। सो ये मॉइस्चराइजर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड एक और मॉइस्चराइजर मैं आपको रिकमेंड करूंगी, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड मिनिमलिस्ट और ये रिसेंटली मैं अभी 10 से 15 दिन से यूज कर रही हूँ। इसका डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। सोच रही हूँ कि यार थोड़ा सा 8-10 दिन और यूज कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ इसका डेडिकेटेड वीडियो शेयर करूँ। बट ट्रस्ट मी, मतलब जितना अभी मैंने यूज किया ना, उतने में मुझे काफी अच्छा लगा। अगर मैं आपको बताऊँ इन दोनों का कंपेरिजन, तो एक ही डिफरेंस मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा सा थिक है। मतलब ऐसा जब आप लगाते हो ना, थोड़ा सा थिक लगता है क्योंकि इसके अंदर सेरेमाइड है, तो जब आप स्प्रेड करोगे ना तब तो वो नॉर्मल हो जाएगा, बट इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा लाइट वेट। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यू कैन सी, मतलब एकदम ना इस तरह का है, जेली जेली कंसिस्टेंसी जैसा, यू कैन सी, मतलब आपको शायद कैमरा पे थोड़ी दिखेगा भी नहीं, इतना लाइट इसका फॉर्मूला है। और जब आप स्प्रेड करोगे ना तब तो बस ये मक्खन की तरह ग्लाइड होता है ऐसे, यू कैन सी। मतलब क्योंकि इसके अंदर विटामिन B5 है जो कि 10% है एंड इसके अंदर कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, हाइलोनरिक एसिड है एंड इसके अंदर यहाँ खुद से मेंशन है दिस इज फॉर ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन स्किन। मतलब कॉम्बिनेशन स्किन के लोग भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से हाइड्रेट करता है स्किन को। सो दोनों मॉइस्चराइजर काफी ज्यादा अच्छे हैं ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन के लिए। एंड उसके बाद बात करेंगे हम सनस्क्रीन के बारे में, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप में से काफी लोग हमें बोलते हैं कि दी मैं विटामिन सी यूज कर रहा हूँ, नियासिनमाइड यूज कर रहा हूँ, मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो रही है, हमें स्किन थोड़ी सी काली पड़ रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप सनस्क्रीन नहीं यूज करते हो। मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे एक्टिव्स यूज करो, नियासिनमाइड, हाइलुरोनिक एसिड या मतलब मैं तो बोलूंगी कि कुछ भी यूज मत करो, फिर भी आप सनस्क्रीन जरूर से लगाओ क्योंकि सन की रेज आपकी स्किन को इतना डैमेज कर देती है कि जल्दी से आपकी स्किन रिपेयर होने का नाम ही नहीं लेती है। सो सनस्क्रीन इज मस्ट मस्ट मस्ट। तो जो ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए सनस्क्रीन है, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड फेस गार्ड और इसका डेडिकेटेड वीडियो रिसेंटली अभी मैंने अपने चैनल पे डाला है। वैसे मैं सनस्क्रीन को आई थिंक 2 से 3 साल से यूज कर रही हूँ, बट ना डेडिकेटेडली डालने का मौका ही नहीं मिला। मतलब बट इस बार मुझे लगा कि यार नहीं, आप लोगों के साथ मुझे अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। एंड दिस वन इज बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली एक्ने प्रोन। यस, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। व्हाइट कास्ट तो यार बिल्कुल नहीं छोड़ती है। ग्रीजी फॉर्मूला इसका बिल्कुल नहीं है। मतलब इसका जो फॉर्मूला है ना, सिलिकॉन बेस है। तो सिलिकॉन बेस वाले सनस्क्रीन क्या करते हैं ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, लुक एट दिस। मतलब ना एकदम सिलिकॉन बेस्ड टाइप में है, तो जब भी आप इसको रब करोगे ना, ये ऐसे मक्खन की तरह ग्लाइड होता है, यू कैन सी। मतलब लगेगा भी नहीं कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाया है, बहुत अच्छी सी फिनिश लुक आती है और बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपापन ऐसा स्किन पे बिल्कुल नहीं लगता है। यू कैन सी व्हाइट कास्ट भी नहीं है, ऑयली भी नहीं लग रहा है मेरा हाथ और ना ही ऐसे ग्रीजीनेस सी लग रही है। तो ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है। मेरे पास SPF 30 है क्योंकि मैं डेली में यूज़ करती हूँ और अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, घर पे ही हो, तो SPF 30 सफिशियंट होता है। सो इसके अंदर आपको SPF 50 भी मिल जाएगा, बट मेरे पास SPF 30 है इसका। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डॉक्टर शेड्स और यह है सेरेमाइड प्लस वाइटामिन सी सनस्क्रीन। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको लाइक कुछ तामझाम नहीं करना है बिल्कुल, मतलब ना उनको सेरम लगाना होता है, ना मॉइस्चराइजर, ना सनस्क्रीन, जस्ट फेस वॉश किया एंड बस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ऐसा एक प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जो कि मॉइस्चराइजर का काम करे, सेरम का करे एंड आपके सनस्क्रीन का काम करे, क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है एंड काफ़ी सारे सेरेमाइड्स है। तो सेरेमाइड्स बेसिकली आपकी स्किन के मॉइस्चराइजर के लिए काम करेंगे एंड वाइटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है जो कि एज अ सेरम आपकी स्किन पे वर्क करेंगे एंड सनस्क्रीन
तो ये अपने आप में है क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर्मूला है, SPF 50 के साथ आता है एंड यूवी एंड यूवीबी दोनों रेस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। सो ये सनस्क्रीन मुझे काफी अच्छा लगा, ग्रीजीनेस बिल्कुल नहीं आती है इसको लगाने के बाद, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता है फेस एंड सबसे अच्छी बात मॉइस्चराइज करता है, मतलब स्किन को लगता है कि यस हमने कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज किया है। यस इसके अंदर दोनों तरह के फिल्टर है, मिनरल एंड ऑर्गेनिक, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा वर्क करेंगे। सो आई मस्ट से कि अगर आपने अभी तक डॉक्टर शेथ का ये सनस्क्रीन यूज नहीं किया है तो प्लीज एक बार यूज जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। एंड उसके बाद जो एक मास्क मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड डर्माको एंड ये है 2% सैलिसिलिक एसिड क्ले फेस मास्क। सो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, कायोलिन क्ले है, एक्टिवेटेड चारकोल है, जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। सो मेरे पास जो अभी ये वाला बॉक्स है ना, ये पूरा खाली हो रखा है, मुझे खुद को इसका ऑर्डर रिप्लेस करना है फिर से। ट्रस्ट मी, बेस्ट 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 मास्क है अभी तक जितने भी मैंने यूज किए हैं उसमें से, एक्टिव एक्ने के लिए एंड ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छा काम करेंगे। सो सिर्फ वीक में आपको 2 बार यूज करना है और जैसे आप एक वीक में 2 बार यूज करोगे ना, आपको खुद को डिफरेंस नजर आएगा। मतलब एक बार आप यूज करो यार इस प्रोडक्ट को, उसके बाद ही आप समझ पाओगे। मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी इसके लिए, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत अच्छे हैं, ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। कॉस्टली नहीं है, 450-450 में आपको मिल जाएगा। एंड फेस मास्क यार मतलब वीक में 1 से 2 बार लगाना होता है बस। एंड यस जो लास्ट प्रोडक्ट गाइज, दैट वन इज एक्ने करेक्टर। मतलब अगर हम ऑयली एक्ने प्रोन स्किन की बात कर रहे हैं और कोई एक्ने करेक्टर की बात ना करें तो वीडियो का कोई मतलब नहीं है। सो ये है एक्वालॉजिका का क्लियर प्लस प्योरीफाइंग एक्ने करेक्टर। सो इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है एंड ग्रीन टी है। सो बेसिकली क्या करना है आपको, ये नोजल टाइप की आती है, जहां पे भी आपको एक्टिव एक्ने है वहां पे नॉर्मली इसको इस तरह से लगा देना है और उसको छोड़ देना है। मतलब मसाज वसाज नहीं करनी है, नॉर्मली वो 5 to 7 minutes में अपने आप ड्राई हो जाएगा एंड विद इन 2 से 3 days आपका जो मतलब बड़ा से बड़ा एक्ने है, फर्स्ट वाला है, रेड वाला है, कैसा भी हो, 3 दिन में वो एक्ने अपने आप अपनी जगह बैठ जाएगा। सबसे अच्छी बात मतलब एक्ने जो आपका खत्म हुआ है इसको यूज करने के बाद, बहुत डार्क वाला मार्क ये नहीं छोड़ता है, मतलब बहुत लाइट सा मार्क आपको दिखेगा उसकी जगह पे। मतलब ये मैं आपको नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल भी एक धब्बा नजर नहीं आएगा आपके फेस पे, बट जो धब्बा ये छोड़ के जाएगा ना बहुत लाइट रहेगा, जो कि अगर आप कुछ विटामिन सी, अल्फा आर्बिटिन वगैरह यूज करोगे तो वो 7 to 10 days में चला ही जाएगा। बट ये एक्ने करेक्टर मुझे काफी अच्छा लगा, इसका डेडिकेटेड वीडियो मैंने लाइव रिजल्ट के साथ दिखाया जब मैंने हुए थे और मैंने 3 दिन कंटिन्यू यूज किया था और उसके बाद उसका रिजल्ट कैसा था वो मैंने लाइव आपको दिखाया है। सो वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। बस एक प्रोडक्ट मेरा अभी बच गया है जो कि मेरा होली ग्रेल प्रोडक्ट है, दैट वन इज हाइलोनोरिक एसिड। सो वैसे तो मैं अभी ऑर्डिनरी का हाइलोनोरिक एसिड यूज कर रही हूँ, जब से मैंने ऑर्डिनरी यूज किया है इसका हाइलोनोरिक एसिड तब से मैं इसी पे अटक गई। पहले मैं लोरियल का यूज करती थी, लोरियल 1.5% हाइलोनोरिक एसिड है एंड जो ऑर्डिनरी है इसके अंदर आपको 2% हाइलोनोरिक एसिड मिलेगा, यही डिफरेंस है। अगर आपकी एज 25 से ज्यादा हो चुकी है, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस डलनेस रहती है, रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स आपको ऐसा लग रहा है कि यार आने वाली है अब कैसे रोका जाए उनको, तो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में एक हाइलोनोरिक एसिड फेस सीरम जरूर से यूज करना चाहिए। डेडिकेटेड वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया है कि क्यों यूज करें, कैसे यूज करें, पूरा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्किन का टाइप हो फॉर श्योर आपको हाइलोनोरिक एसिड यूज करना चाहिए एंड ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए काफी सेफ है, काफी माइल्ड होता है ये, बिल्कुल भी स्किन को रिएक्ट नहीं करता है। तो चेहरा अगर आपका एक्ने से भरा हुआ है ना तो भी आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सो यस गाइस, ये थे कुछ top 10 products जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ऑयली प्लस एक्ने प्रॉन स्किन टाइप है तो फॉर श्योर आपको यूज करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा विटामिन सी यूज करूं, कौन सा फेस वॉश यूज करूं, कौन सा सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर, मतलब मैं क्या लगाऊं, मेरा स्किन का टाइप इतना ज्यादा ऑयली है या इतने मुझे एक्ने होते हैं, आई एम डैम श्योर की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो यस, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूं, कुछ भी आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा। बट या अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए एंड फिर भी कोई डाउट है मन में, सवाल जवाब, शंका संकोच कुछ भी है, ये कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए, आप मुझे लिख के बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।